हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। हम लोग फिर से एक नई जगह पे रेस्क्यू करने के लिए आ गए हैं दोस्तों। जैसा कि बता दें, इस टाइम हम लोग वाराणसी ज़िले के हरसोस में हैं और यहाँ पर फ़ोन आया था दोस्तों कि यहाँ पे एक सांप निकला हुआ है, तो हम लोग देर न करते हुए दोस्तों लेकर चलते हैं आपको वहाँ पर और दिखाते हैं सांप कौन सा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ के लोग पहले से ही नज़रें बना कर रखे हुए हैं, बता रहे हैं कि सांप यहीं पर है। तो देखते हैं दोस्तों, आप तक वीडियो को देखते रहिए दोस्तों और देखकर बताते हैं सांप की कौन सा है और कितना खतरनाक है। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और कमेंट ज़रूर कर दे दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी लोग बता रहे हैं कि कुछ देर पहले सांप यहीं पर देखे थे और हालांकि पूछा गया तो अभी ये बता नहीं पा रहे हैं कि सांप कौन सा है। तो दोस्तों देख सकते हैं, जैसा कि सांप पकड़ा गया है और सांप यहीं पे है। और मैं बता दूं दोस्तों, यह एक रैट स्नेक है जिसको हिंदी में धामन कहते हैं। और इस सांप के बारे में बता दें दोस्तों, इसको रेसर भी कहते हैं, घोड़ा पछाड़ भी कहते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है दोस्तों। यह पूरे भारत में पाया जाता है, हालांकि यह सांप जहरीला नहीं होता और बहुत सीधा होता है दोस्तों। अक्सर यह भोजन की तलाश में घरों में घुसते हैं कभी कभी। और देख सकते हैं यहाँ, जैसा कि दोस्तों बता दे, बहुत सारा ऊपरी रखा हुआ है, गाँव में इसको ऊपरी गोईठा कहते हैं। तो और ये काफ़ी तेज़ और काफ़ी फास्ट होता है दोस्तों। ये काफ़ी ख़तरनाक तो नहीं कह सकते, लेकिन कभी कभी ये अपने आप को जब असुरक्षित महसूस करते हैं दोस्तों, तो ये काटते भी हैं, लेकिन जहर ना होने की वजह से दोस्तों कुछ होता नहीं है। तो कभी दोस्तों आपको ये सांप दिख जाए तो बिल्कुल इस सांप को मारे ना, क्योंकि सच में ये सांप दोस्तों बहुत सीधा होता है, जहरीला सांप नहीं होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसको पकड़ लिए हैं अब, इसको बोरे के अंदर डाल रहे हैं, बंद करके फिर दोस्तों लेकर जाएंगे जल्द ही जंगलों में इसको छोड़ देंगे। तो हालांकि दोस्तों सांप बहुत जल्दी मिल गया, तो समय ज़्यादा नहीं गया। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए हमारे वीडियो को और तब तक आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।